दोस्तों पैसा बचाने का 16वां तरीका है पैसों से रिलेटेड बुक पढ़ें। दोस्तों आपने एक बात तो सुना ही होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन होता है। अगर आप उसमें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी नेगेटिव तरीके से काम करेगा, और वहीं अगर आप उसमें पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो पॉजिटिव तरीके से काम करेगा। दोस्तों आप पैसे से इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आपके दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत नेगेटिव तरीके से डाला गया है। आप जो भी टीवी देखते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसमें आपको किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि आप उस चीज़ को खरीदेंगे तो आप बहुत ज़्यादा सुखी हो जाएंगे या आपको हैप्पीनेस मिलेगा। दोस्तों इस तरीके से आप उन चीज़ों को या उन इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में डाल देते हैं जो फिर आपको खर्च करने पर मजबूर कर देते हैं। वही अगर आपको पैसे को सेव करना है तो आपको मनी रिलेटेड बुक पढ़ना चाहिए। जब आप मनी से रिलेटेड बुक को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा किस तरीके से आप पैसे को सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये तरीका पैसे सेव करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आज तक के सबसे बेस्ट तरीके में से ये तरीका सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब आप मनी रिलेटेड बुक पढ़ेंगे तब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, किस तरीके से पैसा काम करता है, किस तरीके से आपका सेविंग काम करता है, किस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपका पर्सनल फाइनेंस आप मैनेज खुद कर सकते हैं। क्योंकि जब आप बुक से नॉलेज लेते रहेंगे, बुक से इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे तो आपका दिमाग उन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग करने लग जाएगा। और दोस्तों जैसा आपका इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में होता है उसी तरीके से आपका एक्शन भी होता है, उसी तरीके से आपका इमोशंस भी होता है। और वहीं अगर आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बुक से रिलेटेड होगा, मनी सेविंग से रिलेटेड होगा, तो आप चाहे भी तो पैसे खर्च नहीं कर पाएंगे या आपका इमोशन उतना, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस उतना हिला हुआ नहीं होगा जितना उस इंसान का हिला हुआ होगा जो बुक बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है या मनी रिलेटेड कॉन्सेप्ट जिसे बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो सबसे पहले मनी रिलेटेड जितने भी बुक है दुनिया में जो आपके लैंग्वेज में अवेलेबल है उसे बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। जब आप उसे बार बार पढ़ेंगे तब आप ऑटोमेटिकली अपना पैसा सेव करने लग जाएंगे। धन्यवाद।